एक्सक्यूज मी, आप भी यहाँ पे फॉर्म जमा करने आए हैं? नहीं, इंटरव्यू देने आई हूँ यहाँ पर। अरे बेवकूफ, जब फॉर्म जमा हो रहे हैं तो फॉर्म जमा ही करने आई होंगी ना। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ बस। ओके। शायद उनका अभी लंच चल रहा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। पता है। अरे मैंने धक्का नहीं दिया, पीछे से धक्का आया था तो मुझमें भी धक्का लग गया था इसलिए मैं आगे हो गया था। OMG, तुम लोगों को ना बहाना चाहिए होता बस हमसे टच होने का। अरे धक्का इन लोगों ने दिया था, मैंने नहीं दिया, और आप मुझ पे बेवजह इतना क्यों चिल्ला रहे हो जब मैंने धक्का दिया ही नहीं। अच्छा तो मैं चिल्ला रही हूं। हाँ। मैडम जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझमें थप्पड़ मारने की? ऐसे पहली बार खड़ी नहीं हुई हूँ मैं लाइन में, ठीक है ना। इन लड़कों को ना टच होने का बहाना चाहिए होता है। तुम जैसे लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। दुनिया के सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। सही कहा तुमने, इन लोगों को तो बस टच करने का बहाना चाहिए होता है, नालायक कहीं के। चल सॉरी बोल। अरे भाई साहब जब मेरी गलती है ही नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं इनसे? इतना कुछ सुनने के बावजूद भी तू सॉरी नहीं बोल रहा, चल सॉरी बोल। अरे भाई साहब मैं कैसे बोलूं सॉरी? तू बोलता है कि नहीं? बोल सॉरी बोल, सॉरी बोल वरना। मुझे नहीं बोलना। चल बोल सॉरी। सॉरी बोलता है कि नहीं? नहीं वरना जिस कॉलेज में तू फॉर्म जमा कर रहा है ना उसमें फॉर्म जमा भी करने नहीं दूंगा। सॉरी। तुमने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया है क्या जिसमें मैंने लिया है? हाँ मैंने भी उसी में ही एडमिशन लिया है। IPA? हाँ। अच्छी ऋषि के मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। बाय। लड़की में चाटा कैसे मारा तूने? ऐसे मारा मैंने चाटा? और कुछ बोलना है क्या तेरे को? और उस टाइम भी मेरी गलती नहीं थी, वो तुम जैसे लोग इन लड़कियों को बढ़ावा देते हैं ऐसी गलतियां करने पर। अगर ये लड़की है तो कभी ये गलती नहीं कर सकती क्या? गलती हमेशा हम लड़के ही करते हैं क्या? हाँ ये तो कभी करते ही नहीं है। हमेशा सच्चाई का साथ दिया करो ना कि इन जैसी लड़कियों का।